don't forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब मज़े में होंगे. और ये एक और ईद डेजर्ट रह गया था जो मैंने ईद के दिन बनाया था. ये वही कस्टर्ड है जो मैंने खुबानी के मीठे के लिए बनाया था, सेम कस्टर्ड. लेकिन अब इस डेजर्ट के लिए मैं इस कस्टर्ड को थोड़ा सा और रिच कर रही हूँ, इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम मिलाकर. ये जो डब्बों में आती है विपी विप, सिल्वर विप, या आपके एरिया में जो भी मिलती है व्हिपिंग क्रीम, उसको ठंडा करके विप कर लें कि वो इतनी स्टिफ़ हो जाए. मैं उसको पाइपिंग बैग में करके फ्रीज़र में रखती हूँ. और फिर हमने वो क्रीम इसमें कस्टर्ड में मिलाई है, सेम कस्टर्ड है जो हमने खुबानी के मीठे में बनाया था. लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो का नीचे, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं. बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने कस्टर्ड बनाया था. कस्टर्ड अच्छी तरह 5-6 घंटे ठंडा हो गया था, फिर मैंने क्रीम मिलाई है इसमें, व्हिपिंग क्रीम विप हुई हुई. और अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसको स्मूथ कर रही हूँ, कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ हो जाए. ये देखें, कस्टर्ड स्मूथ हो गया है. यहाँ पर है, मैंने आम काट के रखे हैं, लोटस स्प्रेड यूज़ हो रहा है, और है लोटस बिस्किट्स. यहाँ पर थोड़े से आम लेकर के, आधा कप जितने आम लेकर के, उसमें 2-3 चम्मच दूध डाल के मैंने प्यूरी कर लिया है आम का, क्योंकि ये हम अपने ट्राइफल में ऊपर पे थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे, दैट्स इट. ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देख लें. यहाँ पर मैंने आम के क्यूब्स, डिश में सबसे पहले आम के क्यूब्स और 2-4 केले स्लाइस करके डाल दिए हैं. वहाँ पीछे आपको लोटस नज़र आ रहा है, ये लोटस मैंने पतला किया है दूध के साथ. और ये मैंने लोटस पतला करके दूध के साथ थोड़ा सा पाइपिंग बैग में भर लिया, और आम की प्यूरी को भी मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया ताकि ऊपर मुझे ड्रिजल करने में मुश्किल नहीं हो. अब ये जो मैंने लोटस दूध के साथ मिक्स करके पतला किया था, इसको मैं इन फ्रूट्स की लेयर के ऊपर डाल रही हूँ. फ्रूट्स में मैंने सिर्फ मैंगो लिया है, 80% मैंगो है, 20% केला है. यानी कि मैंगो आपने ज़्यादा रखना है, और सिर्फ एक केला एक डिश में डाल दें बारीक स्लाइस करके. ठीक है, और ये है लोटस बिस्किट्स, हाथ से ही बस क्रश किए हैं. आई एम सॉरी, ईद का दिन था, बहुत काम था, ट्राईपॉड नहीं लगाया, इसलिए बस जल्दी जल्दी में आपको, आपके लिए शूट करना था. तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो उसने ये कर दिया कि कैमरा पकड़ के हेल्प कर दी. चलें, ये यहाँ पर बिस्किट्स डालने के बाद कस्टर्ड मैंने पोर कर दिया है तीनों डिशेज़ में इक्वली. ठीक है, क्वांटिटी मैं आपको एक बड़ी डिश की क्वांटिटी दे दूंगी, आप एक बड़े प्याले में भी बना सकते हैं. उसके बाद जो मैंगो था उसकी पाइपिंग बैग पे एक छोटा सा सुराख करके मैंने, देखें इस तरह से मैंगो प्यूरी बीच में डाल दी है मार्बल की तरह से, और उसके ऊपर मैंने ये लोटस वाले पाइपिंग बैग पे सुराख करके लोटस की इस तरह से लाइन्स सी ड्रिजल कर दी हैं, दैट इज़ इट. बस इसके अलावा लोटस बिस्किट का चूरा करके एजेस पर एक बॉर्डर बना दिया है उस चूरे से, बिस्किट के चूरे से, और सेंटर में एक लोटस बिस्किट रख दिया. ये इतने मज़े का डेजर्ट बना था माशाल्लाह से, आप यकीन नहीं करेंगे कि विद इन 10 मिनट्स से तीनों डिशेस ख़त्म हो गई थी, और सब गेस्ट ने 2-2, 3-3 सर्विंग्स इसकी ली थी. ये इतना मज़े का बना था माशाल्लाह से. जब तक मैंगोज़ हैं तब तक इसको ज़रूर बना लें, ट्राई करें इस रेसिपी को, मुझे अपना फ़ीडबैक दें, और अपना बहुत ख्याल रखें. चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी नई रेसिपीज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला. अल्लाह हाफिज़.